नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल सिविल पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पर मैंने बनाया था और उसमें चर्चा आया था सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल और एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या आई बटन में लिंक आ रहा है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो उसमें सारे चीज़ों को मैंने बता दिया है और आज हम लोग एंगल ऑफ रिपोज पर चर्चा करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल का एंगल ऑफ रिपोज अप्रॉक्सीमेट कितना कितना होता है, क्योंकि इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालने में। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो आप साइट पर कठिनाई महसूस करेंगे। वैसे तो सबसे अच्छा होता है कि इसका सॉइल का टेस्ट लैब में हो और उसके आधार पर हो, लेकिन जनरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो भी बन रहे हैं गाँव में, देहात में, शहर में भी, तो 95% लोग सॉइल टेस्ट कराए बिना ही करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट साइट पर इसका ज्ञान होना जरूरी है। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। तो देखिए, एंगल ऑफ रिपोज जो है वो तो मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में ही। सपोज कीजिए कि ये सॉइल ड्रॉप करते हैं तो ये जो एंगल बनता है, सपोज कीजिए थीटा, यही है एंगल ऑफ रिपोज। डिफरेंट टाइप के सॉइल का एंगल ऑफ रिपोज डिफरेंट होता है, तो उसी पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो अब है, यहां देखिए सीरियल नंबर है, टाइप ऑफ सॉइल है और यहां जो है यहां लिख दीजिए एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज सबसे पहले हम लोग आते हैं क्ले सॉफ्ट सॉइल का, और वेट भी है, क्ले है, सॉफ्ट सॉइल है और वेट भी है। तो इसका आता है मोटा मोटी ये 22-25 डिग्री, और सिल्ट और ड्राई वेट यदि है तो इसका 19-20 डिग्री के लगभग, और फाइन लूज सैंड यदि है तो इसका 25-30 डिग्री तक। ब्लैक कॉटन सॉइल है, ये तो मिस्टीरियस सॉइल है, आप जानते हैं, तो ये वैरी करता है 19-25 डिग्री तक। और मीडियम क्ले जो है 20-25 डिग्री आता है, और सॉफ्ट मुरम का 25-30 डिग्री के आसपास आता है। लेकिन अगर सैंडी और देख लीजिए, ज्यादा जिसका आता है सैंडी क्ले मॉइस्ट यदि है, सैंडी क्ले और मॉइस्ट भी है, तो इसका जो है एंगल ऑफ रिपोज ज्यादा एक बहुत कम आता है, ये 15 डिग्री आता है, 15 डिग्री आता है। और सैंड कंपैक्टेड यदि है इसको मिटाइए, सैंड आठवां हो गया, कंपैक्टेड यदि है तो इसका एंगल ऑफ रिपोज जो है ज्यादा होता है 35-40 डिग्री। और नौवां जो है क्ले या सिल्ट यदि सॉलिड अवस्था में है तो इसका ज्यादा आता है 40-45 डिग्री तक ही आता है। लेकिन जनरल सॉइल जो है वो यही 7वां नंबर तक है, और इसका जो है एंगल ऑफ रिपोज कम से कम यहां 15 और ज्यादा से ज्यादा माने मिनिमम जो है 15 डिग्री, और मैक्सिमम जो है 30 डिग्री से 40 डिग्री तक ही फील्ड में लिया जाता है। तो बस यही था ये वीडियो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।